हेलो एवरीवन, आज है 7 अगस्त और आज इस वीडियो में हम 10 ऐसे दमदार शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस ने चुना है। उन ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि ये वो दमदार शेयर है 10 जो आपको आने वाले दिनों में 15% से 40% तक का रिटर्न देने का दमखम रखते हैं। तो वो कौन से शेयर है और कौन से ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिन्होंने उन शेयर्स पर अपना दाव लगाया है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है और ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर बेट किया है 10 स्टॉक में और उनको लगता है कि 14% टू 37% की अपसाइड हमें आने वाले इन जो शेयर्स है उसमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो नाम है, सबसे पहला जो ब्रोकरेज हाउस है वो है केआर चौकसी। उन्होंने चूज किया है HDFC बैंक, बाइंग रेटिंग है और 1,427 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया है, 37% का रिटर्न आपको मिल सकता है। और देखिए, HDFC बैंक वाकई में बैंकिंग शेयर का एक दिग्गज बादशाह माना जाता है। और जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में कहता आया हूं आपसे कि अगर आपको किसी भी बैंकिंग शेयर में पैसा लगाना है तो आपकी जो पहली चॉइस है वो हमेशा HDFC बैंक होना चाहिए, क्योंकि देखिए काफी सेफ बैंक है और दूसरी बात एक अच्छा और बड़ा बैंक है। आपको आने वाले दिनों में ये वो बैंक है जो कभी डूबेगा नहीं, काफी ज्यादा लिक्विडिटी उनके पास है और काफी बड़ा नेटवर्क HDFC बैंक का आपको देखने को मिल जाएगा। तो केआर चौकसी ने पहला जो शेयर चूज किया है वो है HDFC बैंक और दूसरा भी स्टॉक उन्होंने चूज किया है HDFC AMC। ये भी काफी बड़ी कंपनी है, HDFC का ही पार्ट है ये, और 3,020 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है, 27% का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगेन मुझे लगता है कि जरूर HDFC AMC और HDFC बैंक एक काफी बड़े और दिग्गज कंपनीज है और इसमें आपको एक बड़ी रैली तो देखने को मिल ही जाएगी और अच्छा खासा पैसा भी आपका बनेगा और आपको पैसा फंसेगा नहीं। तीसरा जो शेयर उन्होंने चूज किया वो है बजाज फिनसर्व। देखिए, कोविड के चलते ऐसी गिरावट आई थी कि बजाज फिनसर्व का शेयर 4,000 रुपए तक टूट गया, 4,500 से 4,000 रुपए तक टूट गया था ये शेयर, लेकिन बाद में बढ़िया बाउंस बैक किया है। अब इनको, इनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 8,200 रुपए के आसपास का टारगेट है और 30% की आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है। और वाकई में एक बजाज फिनसर्व की अगर हम बात करें तो बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व की एक काफी बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है मार्केट में। अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो वहां पर आपको बजाज फिनसर्व और बजाज फिनांस देखने को मिल जाएगा। आज भी कई सारे लोग हैं जो पैसों के लिए इन कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और छोटी छोटी चीजों के ऊपर EMI करने का काम भी ये लोग करते हैं, तो काफी बड़ा इनका नेटवर्क है। चौथा है मिंडा इंडस्ट्रीज और अगेन काफी बड़ी और दिग्गज कंपनी है। टारगेट 336 रुपए का है और 19% की आपको रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है, तो इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। उसके बाद है क्रेडिट असेट्स ग्रेमी। देखिए, इस कंपनी के ऊपर जनरली मैं कोई राय अपनी नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन केआर चौकसी जैसे दिग्गज फर्म ने इसको चुना है। 684 रुपीज का टारगेट प्राइस रखा है, 16% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा उनका मानना है। उसके बाद का जो शेयर है वो है ITC। देखिए, ITC शेयर मुझे लगता है ये काफी दमदार शेयर है ये और काफी सस्ते प्राइस के ऊपर अवेलेबल भी है। टारगेट 228 रुपए के आसपास का दिया है इस ब्रोकरेज हाउस में और 17% की अपसाइड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है कि जरूर ये शेयर आपको इस प्राइस पर डेफिनेटली ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरह का इनका बिजनेस है और जिस तरीके से कंपनी ने टर्न अराउंड किया है वो काफी शानदार है। इससे पहले अगर हम बात करें तो ITC का जो मेजर सेगमेंट था वो था सिगरेट और टोबैको का प्रोडक्ट का इनका मेन सेगमेंट था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने FMCG में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। कंपनी की एक से एक बढ़कर हाउस होल्ड प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे यीपी नूडल्स की बात करें, आशीर्वाद की बात करें, बी नेचुरल की जो जूस प्रोडक्ट भी ये लोग लेकर आए इस कोविड के सिचुएशन में उसकी बात करें, ITC का वेजी वॉश की बात करें, ITC का सेवलोन है, सेवलोन एक काफी बड़ी प्रोडक्ट है इनकी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डिस इनफेक्ट स्प्रे भी लेकर आए हैं ये लोग अभी की सिचुएशन में,
तो एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट इन्होंने निकाली है। ईपी मैगी न्यूडल से लेकर सब कुछ आपको यहाँ पर आईटीसी में देखने को मिल जाएगा। बिंगो चिप्स भी आजकल आपको काफी ज्यादा फेमस देखने को मिल रही है। तो जो इनका सेगमेंट है एफएमसीजी, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और काफी अच्छा सेगमेंट इन्होंने चूज भी किया है, जिसपे इस पेंडेमिक की सिचुएशन में अच्छा खासा पैसा बन भी रहा है। उसके बाद का ब्रोकरेज हाउस है एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग ने चूज किया है एलेम्बिक फार्मा को चूज किया है। 1,400 रुपये का टारगेट है। और देखिए फार्मा सेक्टर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, और जब से कोविड आया, पेंडेमिक आया, तब से मैं वीडियो पे आपको बता रहा हूँ कि फार्मा सेक्टर आने वाले कुछ महीनों तक काफी अच्छा प्राइस पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएंगे। अभी भी नेक्स्ट 3-4 महीना आप कह सकते हो कि फार्मा सेक्टर का है, जिसमें आप कई सारे दिग्गज कंपनीज है जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हो। एलेम्बिक फार्मा उन्हीं में से एक है। एलेम्बिक फार्मा को एंजल ब्रोकिंग ने चूज किया है, टारगेट रखा है 1,400 रुपये, रिटर्न वो लोग एक्सपेक्ट करें 29% का। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और भी चुनना चाहो तो आप सन फार्मा है, आप सन फार्मा के अलावा आप अरविंदो फार्मा है, डिवीज लैब है, और भी कई सारे जो फार्मा कंपनीज है उसको अगर आप चाहे तो चूज कर सकते हैं। दूसरा शेयर जो एंजल ब्रोकिंग ने चूज किया है वो है आईसीआईसीआई बैंक चूज किया है। आईसीआईसीआई बैंक चूज किया है और 410 रुपये का टारगेट प्राइस वो लोग अज्यूम कर रहे हैं। 14% का रिटर्न उनको लगता है कि बनेगा। देखिए अगर आप मुझे को रेगुलर फॉलो करें तो हमेशा मैंने कहा है कि आपका पहला शेयर, अगर आपको बैंकिंग शेयर चूज करना है, तो पहला एचडीएफसी बैंक होना चाहिए, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक होना चाहिए। और मेरा खुद का मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक जरूर आपको आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न देने का दमखम रखती है। काफी बड़ी ये बैंक है, काफी बड़ा ये बैंक है और काफी बड़ा इनका मार्केट है। उसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो लिक्विडिटी की भी कोई यहाँ पर इश्यू नहीं है, तो काफी अच्छी इनकी पोजीशंस है। तीसरा जो उन्होंने चूज किया है वो है एचडीएफसी। एचडीएफसी उन्होंने चूज किया है और अगेन एचडीएफसी भी काफी बड़ा नाम है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। 2,075 रुपये का टारगेट है और 16% की अपसाइड इनको लगता है कि आ सकती है। उसके बाद एलएनटी इंफोटेक है। एलएनटी इंफोटेक भी काफी बड़ा कंपनी है, काफी बड़ा बैकबोन है एलएनटी का। इनके पास तकरीबन 2,840 रुपए के आसपास का टारगेट रखा है। 15% की अपसाइड आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। तो ये दो ब्रोकरेज हाउस है, एंजल ब्रोकिंग और केआर चौकसी, और दोनों ने मिलकर 6 शेयर चुने हैं केआर चौकसी ने और 4 शेयर चुने हैं एंजल ब्रोकिंग ने। तो इन 10 कंपनी के ऊपर आप नजर रख सकते हो। 10 के 10 कंपनी के ऊपर एक चीज कॉमन है कि बड़ी कंपनीज है, लार्ज कैप स्टॉक है ये, और सेफ साइड में चूज किया है। और देखिए जिस तरीके का सिचुएशन बना हुआ है, मेरे हिसाब से अगर आप लार्ज कैप स्टॉक को चूज करोगे तो एक है कि सेफ बेट रहेगी आपकी और पैसा तो बनेगा ही बनेगा। तो नजर रखिए इन कंपनियों के ऊपर, और आपका भी क्या मानना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कमेंट में इस वीडियो के बारे में और इन कंपनी के बारे में भी अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।